सो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हो थंबनेल के अंदर कि आज मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ GTS San Andreas के लिए KTM द इंडियन बाइक, जो कि आपको देखने मिलेगी अपने गेम के अंदर। और बेसिकली लोगों को इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। बेसिकली कुछ लोग भी यही ऐसे होते हैं यूट्यूब पे जो बेसिकली ओनली DFF फाइल एंड TXT फाइल दे देते हैं और बोल देते हैं कि भाई इनको इंपोर्ट कर दो, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं और लोगों से इंपोर्ट होती नहीं है अच्छे से। ठीक है, इंपोर्ट हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं एरर आता है, या तो फिर कई जो जैसे कि बाइक के जो चक्के रहते हैं वो कभी कभार वाइट हो जाते हैं एकदम, एंड कभी कभार टेक्सचर ही शो नहीं होते हमें बाइक के, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बट इस वीडियो के अंदर ये सभी फिक्स होने वाले हैं और एकदम डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो के साथ बने रहिए। और एक बात, इस मोड के अंदर आपको ओनली KTM ही नहीं मिलेगी, आपको KTM के साथ में कुछ और बाइक्स भी मिलेगी जो कि सरप्राइज रहेगा, जो कि मैं आपको गेम प्ले में नहीं बताऊंगा, आगे चल के प्रूफ के अंदर मैं आपको वो बाइक्स बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। ये मोड इंस्टॉल करोगे तो बहुत ही अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो गेम का मिलने वाला है, क्योंकि KTM एक इंडियन बाइक है, आप जानते हो, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स बाइक है और पर्सनली मेरी फेवरेट है, और सोचा कि आपके लिए भी लाना चाहिए एंड सोचा कि इस चीज़ को हम गेम में एक्सपीरियंस करते हैं कितना अच्छा लगता है। सो जिन लोगों को डाउनलोड करना है सबसे पहले अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाओ जल्दी से इसको डाउनलोड कर लो। इसका साइज़ मैंने बहुत ही कम रखा है और प्लस आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और आपको पता ही है जैसे कि हमारा डाउनलोडिंग का थोड़ा मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, बट उसका भी यार डाउनलोड लिंक का भी वीडियो मैंने उसी के नीचे दे रखा है, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाले। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए, तो पूरा इंस्टॉलेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ और साथ में आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि आपकी गेम में क्या क्या इशूज़ आते हैं और किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी गेम में 1% भी ना क्रैश हो, ना लैग हो और ना प्रॉब्लम हो, ना ही आप मुझे बाद में आके ये बोलो कि भाई तेरा मोड क्रैश कर रहा है और या तेरा मोड नहीं चल रहा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। को फाइल मिल जाएगी डाउनलोड करने के बाद एंड इस पर क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दो। एंड एक्सट्रैक्ट हेयर में जैसे कि पता है कि थोड़ा टाइम लेता है, ये 162 MB की फाइल होगी, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन अब इसके अंदर आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है वो देखना ज़रा। फोल्डर एक्सट्रैक्ट होने के बाद ओपन करिए, फोल्डर मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे, ठीक है, एक होगा मैनुअल इंस्टॉल और एक होगा अपना गेम का फोल्डर। तो मैनुअल इंस्टॉल के अंदर आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पे है DFF और टेक्सचर्स। ठीक है, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि भाई साहब अब ये तो इंपोर्ट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम्स ये आती है कि भाई कभी कभार इंपोर्ट होती नहीं है, तो जो इंपोर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते उनके लिए मैंने यहाँ फोल्डर दे रखा है com.rockstargames.gts से। सिंपली इस फोल्डर को कॉपी कर, जो करना है कर लो, एंड्रॉयड में आओ और डाटा में जा करके उसे पेस्ट कर दो। ठीक है, इतना करना है और ये इसलिए करना है जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई मुझे इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इंपोर्ट मत करो। ठीक है, आपको बस ये फोल्डर को यहाँ पे कॉपी और बस पेस्ट कर देना है, बस सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है और आपकी जो बाइक है वो गेम में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, सक्सेसफुली गेम ओपन करो और कार्स फोन में जाओ, मेन्यू ओपन करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा आप राइट करोगे तो आपको अपनी बाइक दिख जाएगी। जैसा कि देख सकते हो KTM हमें यहाँ पे शो हो चुकी है और बहुत अच्छे टेक्सचर्स है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इंपोर्ट करी है इस बाइक को और कोई भी इशू नहीं आने वाला, कोई भी जो बेसिकली इसके जो टेक्सचर्स है उसमें कोई भी मिसिंग प्रॉब्लम नहीं है। सो पूरी प्रॉपर बाइक है जो आपको देखने मिल रही है, प्रॉपर कलर के साथ आती है और कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि कोई इशू नहीं आया और सिर्फ एक फोल्डर आपको कॉपी करके और पेस्ट करना है, तो वो मेथड भी है। और जो नहीं करना चाहता ये लोग, क्योंकि कुछ कुछ होता है, कुछ लोगों का ये होता है कि भाई मेरे को नहीं करना, क्योंकि ये होता है ना बेसिकली कि अपनी गेम का जो मोड इशू होता है वो बिगड़ जाता है ना, तो इसलिए। बट अब देखो ये भाई साहब अपनी बोनस बाइक जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला था, और बाइक्स मैं आपको बताता हूँ और बाइक्स। ये देखो एक ये बाइक है जो कि बोनस मैंने आपको दी है, थोड़ी छोटी है बट स्पीड अच्छी है इसकी। देन नेक्स्ट आते हैं और जो मेन बाइक निकल के आती है जो कि बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। सो वो इधर ही कहीं ना कहीं तो इधर ही होगी, एक सेकंड ज़रा फाइंड करने दो मुझे ज़रा। एंड ये रही ये देखो गाइस, ये है एक्स्ट्रा बाइक जो मैंने लाइक ऐड करी है। कम से कम 3-4 बाइक आपको देखने मिल जाएगी,
तो ये बहुत अच्छी बाइक आपको देखने मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई साहब, बहुत अच्छी। ये भी KTM के बराबर ही है और एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स बाइक मेरे हिसाब से मानी जाती है। एंड मुझे लग रहा है बहुत OP है, और यही जो सरप्राइज़ था वो मेरे को देना था बेसिकली। इस मोड के अंदर इतनी चीज़ें मिलने वाली है। सो यार, आज की वीडियो में इतना ही था। आगे और मोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मोड्स आने वाले हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।